बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने टीवी की क्वीन एकता कपूर को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। एक्ट्रेस ने एकता के बर्थडे के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने पर फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनके सपोर्ट में आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी उनमें से एक थे। हालांकि अब एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने शिकायत जताई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनको शाहरुख खान ने सपोर्ट करने पर थैंक यू कार्ड तक नहीं भेजा, जबकि वो उनके सपोर्ट में जोर शोर से उतरे थे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ऐसे में फिल्म के को स्टार सोनू सूद ने फिल्म के ना चलने पर चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने कहा, शायद फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं मिला, लेकिन हमें इसे स्वीकारने की जरूरत है कि पैंडेमिक के बाद चीजें बदल गई हैं। मैं तो कहूंगा कि मैं इससे खुश हूं और जिस तरह लोगों ने प्यार बरसाया है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक्टर जहीर इकबाल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल बीते दिन ही जहीर इकबाल ने सोनाक्षी को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया। उन्होंने जमाने के सामने एक्ट्रेस से अपने प्यार का इजहार भी किया। ऐसे में दोनों को लेकर ये माना जा रहा है कि वो इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भूल भुलैया 2 के सक्सेस के चलते कार्तिक आर्यन को उनके फैंस ने शाहरुख खान के साथ कंपेयर कर दिया है, जिस पर अब कार्तिक ने रिएक्ट करते हुए कहा, वो किंग का टैग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। कार्तिक आर्यन ने मजाक में कहा कि वो किंग की जगह प्रिंस का टैग लेना पसंद करेंगे। सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर मिलने के बाद भाईजान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्रोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सलमान को मारने के लिए साजिश भी रचाई थी। रिपोर्टेडली सलमान को मारने के लिए लॉरेंस ने 3 से 4 लाख की राइफल खरीदी थी। अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मलाइका से एक क्यूट डिमांड करते हुए एक फोटो शेयर की। इस दौरान एक फैन ने उनसे कहा कि मलाइका की बनाई हुई चटनी खानी चाहिए। इस पर अर्जुन ने स्वीटली जवाब देते हुए कहा, कृपया उन्हें घर आने पर मेरे लिए बनाने के लिए कहें। वो ट्रिप को एंजॉय कर रही हैं और इंस्टाग्राम पर फोटो लेने में बिजी हैं, लेकिन शायद ये उन्हें मना ले। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को आज जिम के बाहर स्पॉट किया गया, जिस दौरान एक्ट्रेस पहले से काफी ज्यादा स्किनी दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। ट्रोल्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने कैमरा को देखते ही अपने पेट को अंदर कर लिया। कलंक के गाने फर्स्ट क्लास के बाद कियारा आडवाणी और वरुण धवन की शानदार जोड़ी एक बार फिर फिल्म जुग जुग जियो से धमाल मचाएगी। फैंस का मानना है कि सलमान कटरीना और शाहरुख काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी को वरुण धवन और कियारा आडवाणी कड़ी टक्कर देंगे। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जोनस की कातिलाना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल एक्ट्रेस पेरिस में एक इवेंट में पहुंची, जहां प्रियंका ने शिमरी ड्रेस में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा।